हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास सेकंड ईयर, आप लोग फर्स्ट ईयर में प्रमोट हो गए हैं सब लोग और अब सेकंड ईयर में पहुंच गए हैं। तो अभी तक आपकी फर्स्ट ईयर में एक ही किताब थी अर्शास की, अब अर्शास की दो किताबें हैं, वेस्टी अर्शास और समिष्टि अर्शास, यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो आज हम आपको पढ़ाएंगे जो पहला चैप्टर है वेस्टी अर्शास का, यानी अर्शास एक परिचय। ये फर्स्ट ईयर में भी है ये चैप्टर और सेकेंड ईयर में तो है ही, तो इससे दोनों क्लास के बच्चों को फायदा होगा। तो सबसे पहले आप अर्शास के बारे में जान लीजिए, एक परिचय कि अर्शास क्या है। अर्थशास्त्र, जिसे अंग्रेजी भाषा में इकोनॉमिक्स कहते हैं, दो ग्रीक शब्द ऑयक्स और निमेनियन से बना हुआ है। ग्रीक शब्द कौन कौन से हैं? ऑयक्स और निमेनियन, इससे बना हुआ है ये। और इस ग्रीक शब्द का मतलब होता है गृहस्थी प्रबंधन। गृहस्थी प्रबंधन क्या चीज, यानी घर को अच्छी तरीके से गृहस्थी का प्रबंध करना, यानी व्यक्तिगत और सामाजिक जरूरतों की पूर्ति करना, जरूरतों को पूरा करना कि हमें किन किन चीजों की समाज में अपनी जिंदगी गुजारने के लिए किन चीजों की हमें जरूरत पड़ती है, उसी को कहते हैं गृहस्थी। यानी गृहस्थी चलाना, यानी घर का इंतजाम करना और उसमें जिन वस्तुओं और सेवाओं की हमें आवश्यकता होती है, जिन जिन चीजों की एक घर चलाने के लिए, अपनी जिंदगी गुजारने के लिए जिन वस्तुओं चीजों की हमको आवश्यकता होती है, हमको जरूरत पड़ती है, इस प्रकार अर्थशास्त्र जीवन यापन संबंधी विभिन्न क्रियाकलापों का अध्ययन है। यानी जीवन यापन, जीवन को गुजारने वाली। तो गृहस्थी प्रबंधन का मतलब आपकी समझ में आ गया होगा। गृहस्थी कहते हैं जिंदगी को चलाने के लिए, जिंदगी को गुजारने के लिए, दूसरे शब्दों में जीवन गुजारने के लिए वस्तुओं और सेवाओं की हमको जरूरत पड़ती है। अब अर्थशास्त्र दो शब्दों के जोड़ से बना है, अर्थ प्लस शास्त्र बराबर अर्थशास्त्र। अर्थ का मतलब धन से है, अर्थ का मतलब धन से है, और शास्त्र का मतलब क्रमबद्ध ज्ञान, शास्त्र का मतलब क्रमबद्ध ज्ञान। इसलिए अर्थशास्त्र की परिभाषा को धन का अध्ययन और धन का विज्ञान कहा जाता है। सर्वप्रथम सन 1776 में एडम स्मिथ ने अपनी पुस्तक वेल्थ ऑफ नेशंस में मूल रूप से अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान कहा है। इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ वेल्थ। एडम स्मिथ ने अर्थशास्त्र की परिभाषा धन से दी, उन्होंने इसको धन का विज्ञान कहा है कि इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ वेल्थ। इनकी एक किताब है वेल्थ ऑफ नेशन, उसमें इन्होंने लिखा। और रेगनर फ्रिश ने अर्थशास्त्र को दो शाखाओं में बांटा है, जो इस वक्त के कोर्स में दो किताबें बन गई हैं, वेस्टी अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र, यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो इन शाखाओं में किसने बांटा है? रेगनर फ्रिश
ने अर्थशास्त्र को दो शाखाओं में बांटा है, व्यष्टि अर्थशास्त्र माइक्रो इकोनॉमिक्स और समष्टि अर्थशास्त्र मैक्रो इकोनॉमिक्स। व्यष्टि अर्थशास्त्र में अत्यंत छोटी इकाई का संबंध अध्ययन होता है, छोटी से छोटी इकाई। व्यष्टि से अभिप्राय अत्यंत छोटी इकाई, अर्थात व्यष्टि अर्थशास्त्र का संबंध अध्ययन की सबसे छोटी इकाई से है। व्यष्टि अर्थशास्त्र माइक्रो इकोनॉमिक्स में केवल एक व्यक्तिगत इकाई की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। इसका संबंध किसी एक इकाई से होता है, सभी इकाइयों से नहीं। जैसे एक उपभोक्ता, एक उत्पादक, एक उद्योग और समष्टि अर्थशास्त्र में संपूर्ण अर्थव्यवस्था की इकाइयों का अध्ययन होता है। समष्टि अर्थशास्त्र में संपूर्ण अर्थव्यवस्था की इकाइयों, आर्थिक इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। तो इसमें क्या फर्क हुआ? व्यष्टि अर्थशास्त्र में केवल एक व्यक्तिगत इकाई का अध्ययन किया जाता है और समष्टि अर्थशास्त्र में संपूर्ण अर्थव्यवस्था की आर्थिक इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। जैसे कुल योग, राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय बचत, कुल उद्योग, इसके योगों का, यानी हर चीज संपूर्ण हो, कुल हो, और उसमें एक विशिष्ट, व्यष्टि अर्थशास्त्र में एक विशिष्ट इकाई का अध्ययन किया जाता है और इसमें कुल उद्योगों, संपूर्ण अर्थव्यवस्था की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। तो अब व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र का मतलब अच्छी तरीके से आपकी समझ में आ गया होगा, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। ये आज आपने अर्थशास्त्र और उसकी शाखाओं के बारे में जाना है। इसके बाद हम और इसी तरह की चीजों को आपको बताएंगे, अर्थशास्त्र की विषय सामग्री के बारे में और अर्थशास्त्र की व्यवस्था, अर्थव्यवस्था और इसके प्रकार और इसकी जितनी भी धारणाएं हैं वो सब अगले टॉपिक में बताएंगे। आज सिर्फ अर्थशास्त्र का परिचय हुआ है और इसकी शाखाओं का। इसमें खास तौर से आप माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स को अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। एक बार और इसको समझ लीजिए कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में व्यक्तिगत आर्थिक इकाई का अध्ययन किया जाता है, व्यक्तिगत यानी एक इकाई का, एक, क्योंकि माइक्रो का मतलब छोटी इकाई से, और मैक्रो इकोनॉमिक्स में संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाता है। यानी इसमें अर्थव्यवस्था में जितनी टोटल कुल हर चीज को इस्तेमाल किया जाता है, जैसे राष्ट्रीय आय है, राष्ट्रीय बचत है, तो व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र का मतलब, उसका अंतर, उसका फर्क आपकी समझ में अच्छी तरीके से आ गया होगा। नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो इसके बाद होगा। इसको आप दोहराएं और समझें और घर पर ही रहें और सेफ रहें। ठीक है।